2022-23. It has been notified. It has been put in the public domain. It is broadly a policy which is similar to the policy of the last year. There are certain objectives of the policy which have been defined very clearly in the policy. The basic purpose is to generate greater social consciousness and awareness about the harmful effects of liquor, alcoholic beverages and drug abuse. We want to promote transition from high alcoholic content beverages to low alcoholic content beverages. We are trying to rationalize the number of taxes and duties and other levies to optimize revenues for the common good. The revenue that we generate from excise policy, जो auction process है ये transparent होना चाहिए, accountable होना चाहिए, तो वो तो रखा है। अब हम कैसे distinguish करेंगे कि youth को देना है, जो aged आदमी है उसको नहीं देना है, इस तरीके का क्लासिफिकेशन एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी में नहीं, उसके लिए बड़े तरीके हैं, उसके लिए बाकी तरीके हैं। जो ये लिकर वेंड्स हैं उस पर जो लोग एम्प्लॉय होते हैं, एक एक लिकर वेंड पर तीन तीन चार चार लोग तो एम्प्लॉय होते ही हैं, तो उनको उसमें यूथ होते हैं, जनरली यूथ होते हैं। बेशक प्रोपरेटर कोई और हो, अगर एज्ड पर्सन भी हो उसमें यूथ होते हैं, तो उसका बढ़ावा और हम देने को तैयार हैं। और दूसरा ये कि अगर किसी ने बिजनेस करना हो, बैंक के पास लोन के लिए जाना है, उसमें भी हम मदद करने को तैयार हैं। सर, जो मैंने बताया आपको कि ये पॉलिसी पिछले साल की पॉलिसी की तर्ज पर है, लेकिन इसमें क्लॉज रखे हैं, जैसे हमने एलिजिबिलिटी कंडीशन बताई, हमने बताई बिडर शुड नॉट बी बिलो द एज ऑफ 21 ईयर्स, द बिडर शुड बी अ डोमिसाइल ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, द बिडर शुड हैव इमूवेबल प्रॉपर्टी इन यूटी ऑफ जेएंड के, एक नई क्लॉज डाली है, equal to 100% of the bid value and he has to produce a property certificate. उसके अलावा हमने ये भी कहा है कि auction में अगर कुछ हमको vents रह जाते हैं, हम re-auction भी करेंगे, उसमें भी हमको कुछ दुकानें, last year भी ऐसा हुआ था, कुछ दुकानों पर response हमको नहीं मिला था, तो उसमें हम एक limited tender करेंगे जिसमें पिछले 5 साल के जितने भी license holders हैं वो eligible हैं। वही मैं कह रहा हूँ, जो हमारा system है e-auction का, ये एक थर्ड पार्टी जम्मू एंड कश्मीर बैंक का ई ऑक्शन का पोर्टल है, उसके ज़रिए ई ऑक्शन होगा, और हमने एलिजिबिलिटी कंडीशंस आपको बताई, तो उसमें जो लोग एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, और उसको पूरे ऑनलाइन सिस्टम है, इसमें कोई हैंकी पैंकी का सवाल नहीं पैदा होता है। जो कंडीशंस हमने रखी हैं वो भी ऐसी रखी हैं कि डोमिसाइल होना चाहिए हमारे यूटी का ही होना चाहिए, उसके पास प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए 100% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, ये सेफ गार्ड्स हमने बिल्ड किए। 28 पिछले इवेंट्स थे और 51 हम उस बार हमने नए इवेंट्स भी इसमें इंक्लूड किए हैं, तो 279 टोटल इवेंट्स हैं जो इस प्रकार की ऑप्शन है। ये अर्बन एरियाज में हैं नहीं, ये उन एरियाज में, हमारे इसमें क्राइटेरिया ये था कि जो अनसर्व्ड एरियाज हैं, जो हमारे महकमे में जहाँ हम देखते थे कि जहाँ पे इलीगल जो लहान प्रोडक्शन होती है या इलीगल लिकर होता है, उन एरियाज का हमने सर्वे करके एक कॉन्शियस डिसीजन लेके, और साथ में हमारा ये था कि एक क्वालिटी लिकर मिले कंज्यूमर को, ताकि जिसके ऊपर गवर्नमेंट की सर्टिफिकेशन हो, क्वालिटी कंट्रोल। किसी भी स्टेट में अगर आप देखेंगे, उधर के लोगों से एनओसी नहीं लिया जाता है, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से एनओसी लिया जाता है, वहाँ के डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं, आपका स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया।